20 रुपए में? अरे कमाल की बात करी तुमने, पहले ही तकरीबन फ्री दे रही हूँ तुम्हें सब्जी। अरे फ्री तो तू अपनी सगी दादी को ना दे, मुझे क्या दे। अरे कमाल की बात करी तुमने। अरे कब बखत मारे। अरे पकाओ जान पकाओ। अरे आगे ले आगे। अरे कटिंग करो कटिंग। अरे सीधा नहीं गली में ले। ये पर्स वापस करो। अरे ये कौन है? हम हैं मिल्क कटियर। अरे ये तो वही बच्चे हैं। अरे इस बार नहीं छोड़ेंगे हम इनको। अरे जाने रोकी थे। हेलो चले हो शहजादे। सर जी ये किधर भी है? वो इसको भी डालो वैन के अंदर। अरे लेडीज लोग का सामने बेइज्जती नहीं करो। सुबह शाम दूध पीना है, दुनिया पे चढ़ जाना है। सुबह शाम दूध पीना है, दुनिया पे चढ़ जाना है। टेट्रा पैक में महफूज जैसे दूध, पाकिस्तान भी महफूज बनाना है। मिल्क जेल टेट्रा पैक, मिल्क जेल, मिल्क जेल, मिल्क जेल टेट्रा पैक, मिल्क जेल। रेस में हिस्सा लेने का प्रोग्राम बना रहे हो क्या? रेस में तो भागना पड़ता है और कछुए तो भाग ही नहीं सकते। जाहिद और शकील ठीक है, चले नेक्स्ट। बेटा नाम बताएं। दीशान। टीम मेंबर्स का नाम बताएं। कामरान और सलमान। चले ठीक है, आप आए बेटे। बेटा आपका नाम? जी शौकत। अच्छा और टीम मेंबर्स का नाम बताएं। टीम तो नहीं है बेटा, ये रिले रेसेस में 3 बच्चे चाहिए होते हैं। अच्छा चले साइड में हो जाए, दूसरों को आने दे ठीक है। चले नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट का मतलब नहीं समझते आप। कछुए को देखो, रेस में दौड़ने आया था। सर हम हैं शौकत की टीम में। क्यों शौकत? हाँ हाँ सर, यही है मेरी टीम। अरे शौकत क्यों भागा जा रहा है, बैठ जा। दादाजी भागूंगा नहीं तो रेस कैसे जीतूंगा? कौन सी रेस बेटा? अम्मी मैंने स्कूल रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। अच्छा चलो इसी बात पे ये गर्मा गर्म दूध पी लो। लो शाबाश। अम्मी नहीं, ये वाला दूध मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लो शुरू हो गए नखरे। अरे बेटा क्या कह रहे हो, तुम्हारे लिए मैंने इसको इतनी देर तक उबाला है, फिर इसमें खुशबू के लिए इलायची भी डाली है। चलो बेटा पी लो। मुझे बस टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध पीना है।
है क्यों? दादाजी महफूज दूधिया में भरपूर तवानाई देता है। अरे ये कौन तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है? ये मुझे मिल्कटियर ने समझाया है। अरे तो समझना समझाना है वो हमसे पूछा करो भाई, पता नहीं किस किस से पूछ लेते हो और कहाँ तुम्हें मिल भी जाते हैं। दादाजी वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और रेस में मेरे टीम मेंबर्स हैं। बताओ मना किया था इसके बाप को कि मत डाल अंग्रेजी स्कूल में, यही सब फजूल खर्चे वाली बातें सीख के आएगा। अरे हमसे कोई मशवरा लेता ही नहीं है जिसको सब पता है। वैसे अब्बा हमारे पड़ोस में भी ना अब गत्ते के डब्बे में दूध आता है। अरे आता होगा भाई, बताओ यही खुला दूध पी पी के हमने जवानी में बड़े बड़े पहलवान चित कर दिए। मगर अब्बा पहले बात और थी। अरे क्या और बात थी? अब्बा देखे ना, पहले घर के साथ ही बाड़ा हुआ करता था, ताजा ताजा दूध पहुंचता था घर में, मगर अब तो हर तरफ धुआं, मिट्टी, ऊपर से मक्खियां उड़ती रहती हैं हर तरफ। पता नहीं हम तक पहुंचते पहुंचते कितने जरासीम मिल जाते होंगे दूध में। और अब्बा बच्चे भी शौक से नहीं पीते ये खुला दूध। अरे बहू बच्चों को क्या अकल होती है, अरे हमसे पूछो जिनके पास अकल है कि खुला दूध सस्ता भी तो पड़ता है ना। हाँ शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कुछ पैसे तो बच ही जाते हैं। अब की ना तुमने अकलमंदों वाली बात। क्या पैसे मेरी सेहत से ज्यादा कीमती हैं? हैं? इष्ट, ओए आज फिर दाल आ गई है। ओ बताओ यार बड़ी बदखलाक जेल है ये तो। ओए अपना संतरी बादशाह। हाँ क्या बात है। ये खाने में कोई चिकन शिकन कुकड़ शुकड़ मेरा मतलब है मुर्गा नहीं बन सकता। मुर्गा? हाँ जी बन सकता है। तो बनवाओ ना संतरी बादशाह। अभी बना देते हैं। शाबाश। बोलो बनना मुर्गा। नहीं रहने दो, चुप करके मुर्गा खाएगा। क्या करूँ, चुप करके दाल खालो वरना संतरी तुम्हें मुर्गा बनाने। कुछ ही देर में यहाँ रेस का आगाज हो जाएगा जिसके लिए तमाशाइयों की एक कसीर तादाद मौजूद है। खिलाड़ी नहायत पुरजोश है, हर तरफ खिलाड़ी। अब्बा जान वो देखिए शौकत। अरे बहुत देख लेना तुम, शौकत ही जीतेगा। क्यों भाई कछुए? उठो शौकत, परवाह मत करो उनकी। पूरे जिस्म में खुजली क्यों हो रही है? लगता है इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। रहने दो ज़ैन, हमें सबक सिखाएगा। और आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एथलेटिक्स की दुनिया की मशहूर हस्ती पट साहब। सलमान ने जेब से केला निकाला है खाने के लिए, भूख लगी हुई है। और ये देखिए सलमान ने केले का छिलका जैन की तरफ उछाल के फेंक दिया ताकि जैन स्लिप हो जाए। जैन ने बड़ी खूबसूरती से जंप लगा के अपने आप को केले के छिलके से बचाया। बट साहब बिल्कुल गलत बात की है, छिलका कचरे के डिब्बे में डालने चाहिए इनको भी। तमाशाइयों की तालियों के गूंज में जैन पहुंच गए अपनी पार्टनर फिजा की तरफ। शाबाश जैन। तमाशाइयों में जबरदस्त जोश और जोश। जल्दी करो जल्दी। दूसरी तरफ निता पहुंची अपने पार्टनर फैसल की तरफ, लेकिन असल मुकाबला कामरान और फिजा के दरमियान। फिजा अब कामरान से आगे निकल गई है और ये देखिए कामरान ने कुछ निकाल कर जमीन पर फेंका है। बट साहब क्या चीज है ये? जी वो है बट्टे बट्टे। और फिजा ने एक शानदार छलांग लगाकर अपने आप को बचा लिया है। पीछे आने वाली खिलाड़ी फैसल पूरी तरह फिसल कर गिरे इन कंचों से। और इसी दौरान फिजा पहुंच गई अपने पार्टनर शौकत तक। अरे अब देखना कैसा भागेगा। शौकत ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया है। जी बहुत अच्छा स्टार्ट दिया इन्होंने। ये क्या हुआ? शौकत पूरी तरह हांफ रहे हैं और ये देखिए वो रुक गए हैं। निकम्मा है ये। और इस दौरान जीशान तेजी से आगे निकल गए। शौकत की टीम अब रेस तकरीबन हार चुकी है, उसके लिए जीतने का कोई चांस नहीं है। अजी अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे फिजा इसको टेट्रा पैक दो। शौकत कैच इट। और ये देखिए फिजा ने शौकत की तरफ टेट्रा पैक का डब्बा उछाला है।
शौकत ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया है। शौकत में दोबारा जान आ गई है, वो दोबारा तेजी से दौड़ना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल बहुत तेज दौड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रेस जीतना मुमकिन नहीं है, पर सब क्या कहेंगे? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता, खामखा जान लगा रहे हैं। ईशान की कामयाबी अब यकीनी नजर आ रही है, जिसको देखते हुए उनकी हिमायत में जबरदस्त जोशो खरोश। ईशान के चेहरे पे फतह की मुस्कुरा है। और ये क्या? शौकत ने आखिरी लगाज पे ईशान को हरा दिया है। अरे शौकत, तुमने तो आज कमाल कर दिया। क्या भागे हो तुम शेर की तरह। अरे इसका दादा भी तो बब्बर शेर है। दादाजी यही है टेट्रापैक पैकेजिंग में महफूज दूध की ताकत। अरे हम तो खुद कह रहे हैं सबसे के यही टेट्रापैक दूध पियो। दादाजी टेट्रापैक कोई दूध नहीं है, बल्कि ये तो खास पैकेजिंग है जो दूध की भरपूर एनर्जी और असल गजाइत को रखती है जरासीम से बचाकर अच्छी तरह से महफूज। अरे भाई बहू देखो, अब तुम जिद छोड़ो और यही दूध मंगाओ। मगर अब्बा, अरे सेहत के मामले में कंजूसी मत करो। हम तो इस जेल में किस्मत के खेल में मर गए मर गए मर गए मर गए। वो जो मदद को आने वाले थे वो किधर गए? कब आएगा बोलो, कब आएगा दसो, कब आएगा वो, कब आएगा? तुम कहते थे कोई आएगा, तुम कहते थे कोई आएगा, हम को यहाँ से ले जाएगा, कब आएगा? ओ आ रहा है जवान का बच्चा। जवान का बच्चा उस्ताद में तो बहुत छोटा होगा। कल जाएगी जब ये घबरू जवानी, शायद वो तब आएगा, कब आएगा? आएगा बहुत जल्द आएगा, हमको यहाँ से छुड़ाने जाएगा। उस्ताद जी जरा धीरे कहो, किसी ने सुन लिया तो होगी कुटस पड़ी। तुम्हें शिकर के लिए तो बात तो अच्छी। मुँह पे मजाक उड़ाओगे मेरा? भरम तुम्हारा निकल गया है, दर्द अभी तक बाकी है। मिल कटियरे ने तुमको अपनी उस्तादी दिखला दी है। देखना जब वो आएगा, मुँह सबका बंद हो जाएगा। उसे पहले आंख बंद हो जाएगी सबकी। सड़ जाएगी जेल में जिंदगानी, जाने वो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? ओ, लगता है दिमाग खराब हो गया। क्या शोर लगा रखा है? कुछ नहीं संतरी बादशाह, खांसी आ गई थी। क्या डर गए डर गए? कोई और बात नहीं कर सकते? कब आएगा बोलो, कब आएगा दसो, कब आएगा वो, कब आएगा? आने में टाइम लगता है, समझा करो। आएगा कोई, समझते रहो जी, फिर भी मैं पूछूंगा कुछ तो कहो जी, कब आएगा, कब आएगा? हम तो इस जेल में किस्मत के खेल में मर गए मर गए मर गए मर गए। ये किधर भाग रहे? लगता है जलजला आ गया। आ गया वो शाकार, आ गया जिसका इंतजार था। ये वही है जिसको मैंने बुलवाया था, खरतूस। हाँ